दोस्तों कैसे आप सभी दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी क्लियर है आप सभी दोस्तों को सो so, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका गाइड ओजांग आपसे आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जीरो से कैसे शुरुआत करें आईएएस और पीसीएस एग्जाम की यानी कि जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है और जो हमारा रीजनल स्टेट का एग्जाम होता है उन दोनों में सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें और हमें क्या करना चाहिए और ये एग्जाम चाहे वो आई हो चाहे पीसीएस हो किस तरह के स्टूडेंट को वो चयन करते हैं किस तरह के स्टूडेंट को वो अपने एग्जाम के थ्रू वो चाहे साक्षात्कार हो लिखित परीक्षा हो उसके थ्रू वो जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदर वो कौन से ट्रेड्स होने चाहिए जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जीरो से कैसे शुरुआत करें IAS और PCS की ये क्लास के कुछ स्टेप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं आपको तैयारी में बहुत मदद कर सकते हैं खास तौर पे अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने में ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्लास हो सकती है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है और आप ये भी जान सकते हैं कि मुझसे इसमें कौन सी गलतियां हो रही हैं मैं इस एग्जाम के बारे में मेरा माइंडसेट क्या है और एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मददगार क्लास होने जा रही है बहुत हेल्पफुल क्लास होने जा रही है और आप इससे अपनी एक नई डायमेंशन तय कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं मैं बस चाहूंगा कि आपके पास पेन और पेपर हो ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन चीजों को आप कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को उस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकें और उसके साथ अपनी तैयारी को कर सकें स्वागत करता हूं आप सभी को अगर आप रेडी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी हम तैयार हैं आज की क्लास के लिए और आज के वो सीक्रेट जानने के लिए कि यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन अगर आप जीरो हैं बिगिनर से शुरू कर रहे हैं आप कैसे एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कैसे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस वी आर रेडी चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जैसे रॉकी ने लिखा है कि यस सर वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर राइट right, दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए जो लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस आप जानते हैं कि मई में उसका एग्जाम है तो एक बहुत ही एक नई परंपरा को शुरुआत करते हुए हम लोगों ने यूपीपीसीएस प्री जीएस का जो बैच है मात्र एक में शुरू किया है पूरी फैकल्टीज की टीम उसी क्वालिटी के साथ और ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस के साथ हम आ रहे हैं एक सौ निन्यानवे रुपए में और 20 जनवरी से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं बहुत ही अद्भुत बहुत ही जबरदस्त बैच है और जो हमने निन्यानवे रुपए में बैच शुरू किया था उसी की अगली कड़ी में यूपी एस प्री जिसमें नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होंगे बहुत कंप्रसिव नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होंगे वो यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं और वो भी यूपी पी के लिए मात्र एक रुपए में अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो तैयारी करने से चूक जाए या जिसको कोई दिक्कत हो तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइम सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो इसके साथ जोड़ और अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर चलें तो लेट्स स्टार्ट हम लोग शुरू करते हैं आगे और आप समझते हैं कि हमारे पास और क्या चीजें हैं 99 के बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो नाइनटी के बैच में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाइन्टी में आज Prelims, और इंग्लिश का बैच ये तीनों का तीनों अबलब्ध है आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि जीरो से अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए और बेसिकली फंडामेंटल हमारा क्या है बस यही कहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल निकलेगा बहुत खूबसूरत बात है ये हमारे जज्बे की कहानी है हमारे डिटर्मिनेशन की कहानी है कहता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज में लड़ने की ताकत होनी चाहिए जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी मायूस होने की जरूरत नहीं कि एग्जाम कठिन है पैसे नहीं है कोई बात नहीं कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा यह अंधेरा छटेगा और एक सुनहरी सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है तो जुड़ जाइए पूरी ताकत से यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं जज्बे के साथ कि आज जो हम पढ़ेंगे उसको अपनी जिंदगी में लागू करेंगे सो लेट्स स्टार्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले जब हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है राइट हमें उसका पैटर्न समझना कि आखिर परीक्षा का स्वरूप क्या है यह एग्जाम कैसे देता है और आप आश्चर्य करेंगे बहुत से बच्चे इसको सरकारी नौकरी के हिसाब से तैयार करते हैं उन्हें लगता है कि जो एस का पेपर है बैंक पीओ का पेपर है बाकी अन्य पेपर भी है वो सभी इसमें एक बराबर हो जाएंगे बस यही सबसे गलती होती है और अगर जब तक आप उस परीक्षा का स्वरूप नहीं समझोगे एक तिलिस्म है जब तक उस चक्रव्यू को नहीं समझोगे तब तक चक्रव्यू तो नहीं तोड़ पाओगे अर्जुन बनना है है अभिमन्यु। आपको सोचना कि आप सारे चक्र ना तोड़ सको या अगर आपको सारे का ज्ञान है तो आप सारे चक्र तोड़कर आगे निकल जाओ तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीन चरणों का एग्जाम है प्री मेन्स और इंटरव्यू यानी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार लेकिन अब इन तीनों के नेचर के बारे में किसको किसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन तीनों का सही नेचर किसको किसको पता है कि ये तीनों किसके किसके बारे में बात करते हैं राइट अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा बेसिकली स्क्रीनिंग परीक्षा होती छाट देना तो इसमें क्या होता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन दोनों प्रोसेस करते हैं जहां मुख्य परीक्षा है जहां मुख्य परीक्षा की बात होती है आपकी अभिव्यक्ति की आप एक सीमित शब्दों में आप जिन चीजों के बारे में जानना है आपको पता है उसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हो और इंटरव्यू का मतलब होता है आप अपने आप को बता कैसे सकते हो यहां ज्ञान की बजाय आपकी पर्सनालिटी आपका कॉमन सेंस आपका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसकी चेक होती है बातें तो चलिए आगे हम इसको और विस्तार से समझते हैं और विस्तार से जानते हैं आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएएस एग्जाम क्या आपके द्वारा पूर्व ज्ञान की जांच होती है डू आईएएस एग्जाम चेक प्रायर नॉलेज जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब आपने अपने घरों में कहा होगा मैं आईएस की तैयारी करना चाहता हूं करना चाहती हूं तो आपसे कहा होगा अरे यार तुम्हारे ट्वेल्थ के मार्क्स अच्छे नहीं थे तुम आई नहीं बन सकते तुम ग्रेजुएशन में टॉपर नहीं थे तुम आई नहीं बन सकते ठीक है ये कितने कितने लोगों के सामने आया है कि क्या आई परीक्षा पूर्व ज्ञान की जांच होती है जैसे आपने कहा आपका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल कर आया बोले अरे यार तुम तो जिंदगी में गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं रहे तो तुम आई कैसे बन सकते हो तुमने कोई बहुत अच्छा बड़ा तीर नहीं मारा है तुम वो फलाना जो है इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे थे तो वो नहीं निकाल पाए तो आई क्या खाक निकालोगे कितने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितने लोगों को ये ताने सुनने पड़े जब आपने कहा पापा या मम्मी मैं आई की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं तब आपका जो पूर्व नॉलेज थी उसका आपके सामने एक पूरा जो है रिजल्ट कार्ड रख दिया गया कि देखो भाई तुम आई बनने के योग्य नहीं हो कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये शब्द उनके सामने आया है तो अब मैं वो भ्रांति तोड़ना चाहता हूं आप वीडियो उनको भी दिखा देना नहीं इस एग्जाम में आपके पूर्व ज्ञान की जांच नहीं होती मैं कई बार कह चुका हूं आप आज कोई कंपनी का एग्जाम देने जाओ किसी भी आईटी कंपनी का वो आपसे कहेंगे ट्वेल्थ फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए फलाना एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए यहां कुछ नहीं मांगता है आप ओपन लर्निंग से पढ़कर आ रहे हो प्राइवेट कॉलेज से पढ़कर आ रहे हो सरकारी कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो आपके क्या मार्क्स है कुछ भी नहीं पूछता है तो तुम आज किसी भी आईटी कंपनी में जो बच्चे होंगे जो कभी कैंपस इंटरव्यू देने जाते उसमें तो तो बोला जाता है कि 60 से नीचे वाले अप्लाई ही ना करें लेकिन आई एस के एग्जाम परसेंटेज नहीं पूछी जाती कि आपका 12th में परसेंटेज ये होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में बस आप पास होने चाहिए किसी मान्यता यूनिवर्सिटी से आपका जो है वो होना चाहिए चाहे आप बीए करिए बीएससी करिए इंजीनियरिंग करिए मेडिकल करिए वो कहता है सब बराबर है मेरे लिए तो ऐसा क्यों कहता है ये जानना बड़ा जरूरी है वो आपके पूर्व ज्ञान यानी कि प्रायर नॉलेज आपने क्या कमाया था आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे आपने आईआईटी क्रैक किया था आपने मेडिकल क्रैक किया तो इसे कोई मतलब नहीं है वो कहता है कि हमें भारत के प्रशासनिक अधिकारी चाहिए हमारी ये ये शर्तें हैं अगर आप इन शर्तों को समझ कर पूरा कर सकते दो चीजें समझ कर पूरा कर सकते हो तो आपका स्वागत है आइए चलिए हम लबासना चलते हैं लेकिन ज्यादातर ये लगता है कि आई एस में ये विडंबनाएं आपको बताई जाती हैं अगर आप मुझे अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ सर ये हमारे साथ भी होता है कि क्या आपको ऐसा कहा जाता है यार प्रीवियस में तो तुम ऐसे थे मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूं जो कभी ट्वेल्थ क्लास में फेल हो गए कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए उनको दुनिया का कुछ नहीं आज आई एस बन के आराम से जो अच्छी जिंदगी काट रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि इस परीक्षा में आपके व्यक्तित्व तो किस चीज की पर्सनैलिटी मैं हमेशा कहता हूं आई व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व तो का इम्तहान है और व्यक्तित्व तो को समझने में आपको पूरा समय लगाना इसीलिए कॉन्सेप्टर बैच में हम बहुत फोकस करते हैं कि आपका दिमाग ओपन हो सके क्योंकि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो आपको रॉट लर्निंग सिखाती है आपको कहती है फैक्ट याद कर लो यार एग्जाम क्रॉस कर लोगे नहीं यूपीएससी में जाओगे कहता है व्यक्तित्व तो। फिर ध्यान से एक एक वर्ड को लिख लो इसको आज लिस्ट बनाकर अपने कमरे में टांग लेना सोच थिंकिंग सोच का मतलब होता है थिंकिंग का मतलब होता है नए पैटर्न को जन्म देना तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक लॉजिक मतलब यह काम कैसे हो सकता है यह काम क्यों नहीं हो सकता इस काम में क्या दिक्कत है जब आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग लगाते हो लॉजिक एनालिसिस यानी विश्लेषण करना डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से अपने डिसीजन ले सकते हैं लोग नेतृत्व क्षमता तो चाहते हैं यह याद रखिएगा और योर डाइवर्स क्रिएटिविटी क्या आपकी विविध कृतित्व यानी कि आप कितना ज्यादा इस काम को नए तरीके से कर सकते हो। देखो एक है एक्स काम सरकार ने कहा कि आपको गरीबों का कल्याण करना है ठंड पड़ रही है उनका ध्यान रखना है उनको चीजें करनी है आपके पास रिसोर्स कम है आपके पास लोग कम है अब आपको क्या होगा सरकार चाहेगी कि आप उसी कम रिसोर्स में कोई ऐसी चीज करो कुछ ऐसा सोचो कि इन गरीबों की जान बच जाए और इनकी हेल्प हो जाए राइट right, तो अब इसमें क्या होगा एक नई सोच आपको चाहिए होगी आपको डाइवर्स क्रिएटिविटी चाहिए होगी क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप कुछ नया बना दें कुछ नया बना दें और इससे क्या होगा अगर आप कुछ कर पाएंगे तो उन गरीबों की जान बच जाएगी यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए क्या मांगता है व्यक्तित्व सोच तर्क विश्लेषण निर्णय शक्ति और आपका विविध क्रिएटिविटी यानी कि डायवर्स क्रिएटिविटी ये चीज यूपीएससी मांगता है और एट अ टाइम मांगता है कहता है तुम्हारे अतीत में ये चीज थी या नहीं थी इससे हमें कोई मतलब नहीं है इसीलिए जब हमने कॉन्सेप्टर बैच शुरू किया लोगों ने कहा क्यों दो साल पढ़ा रहे हो हमने कहा सिर्फ एजुकेशन नहीं आज की डेट में स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर स्किल्स के अंदर आपके अंदर ये चीज होना चाहिए Vector तो आपकी पर्सनालिटी सोच आप कैसे नई चीज हमेशा हमेशा मैं हमेशा कहता हूं दिमाग को चुंबक बना लो लास्ट क्लास में भी कहा था क्या जरूरी थोड़े ना जब किताब में ही जब जाओगे तब तुम्हें शहरीकरण की समस्या समझ में आएगी महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार समझ में आएगा बस तुम्हें आंखें खोलनी है सोचना है और मैं हमेशा कहता हूं कि अब थिंकिंग के लिए टाइम दो नया पैटर्न यही है इसके बाद तर्क राइट right, आर्गुमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स बहस में अंतर होता है विश्लेषण करने की क्षमता इसकी बारीकियों से इसकी जांच करना निर्णय शक्ति और विविध कृतित्व तो यह आपके अंदर होना चाहिए अगर आप इसके बारे में तैयार हैं तो यूपीएससी कहता स्वागत है आप सभी का आप इससे पहले क्या थे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं तो पहली चीज आपको पता चली अब चलिए दूसरी चीज के बारे में पता करते हैं यूपीएससी किस तरह के लोगों का चयन नहीं करता नहीं करता मैंने इसीलिए कहा याद रखिएगा अगर आपके अंदर यह चीज है तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं प्री मेंस इंटरव्यू का सिलेबस तो कई बार डिस्कस हुआ है मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि जो यू, यूपीएससी के सिलेबस एनालिसिस है उसकी लिंक यहां पर शेयर कर दें लेकिन यहां कुछ और बात कर रहा हूं व्हाट टाइप ऑफ पीपल यूपीएससी डज नॉट सेलेक्ट करता ही नहीं है अब जरा इसको समझो पहला रट्टू तोते उनको लगता है कि जैसे इतिहास के मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं एनसीआर में बोले आप सर फैक्ट क्यों नहीं लिखाते हैं? मैंने कहा तुम्हारा कौन सा बोले आई की तैयारी करनी है मैंने कहा यहां मतलब ही नहीं है उसका यूपीएससी कहता है कि हम रटने की टेंडेंसी का विरोध करते हैं क्यों क्योंकि रटने वाला तो इंफॉर्मेशन रट के बैठ जाएगा तो जो यूनिवर्सिटी में रट के आया वो यहां भी रट लेगा टॉपर हो जाएगा तो फिर ये विश्लेषण क्षमता सोचने की क्षमता तर्क करने की क्षमता ये फैक्ट्स पे थोड़े ना होती है ये एनालिसिस पे होती है जब आप रुक कर सोचो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा किस लिए हो रहा है ऐसा क्या कारण से हो रहा है जब आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं तब आपकी थिंकिंग यहां पर निकल कर आती है जो सिफारिशी लोग हैं इनके भैया चाचा मामा यूपीएससी किसी की नहीं सुनता है बोला हम ये फूफा सब यहां सब गायब हो गए उनगिन डांस कराओ उनको जहां कराना है हमारे पास इनकी जगह नहीं है तिकड़मी लोग जैसे नहीं होता पर्ची वर्ची लेके पास हो गई यूनिवर्सिटी में तो उनको आदत हो जैसे कोई क्या होता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बड़ी कुछ लोगों की बड़ी इज्जत होती बड़ा बढ़िया नकल आज तक तो कोई उसकी चिट्ठी नहीं पकड़ पाया इतना बढ़िया चिट बनाता है तो वो सोचता है यहां पर भी तिकड़मी आदमी है किसी तरीके से जुगाड़ कर लेंगे कोई संभावना नहीं कोई संभावना ही नहीं है राइट right? इसको यूपीएससी को एक और नाम से जाना जाता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है वो लोग जो बैठे ऊपर हैं वो तुमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं तुमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं तो तिकड़मी लोगों की यहां कोई जगह नहीं है जो सोच रहे थे कि वहां तिकड़म लगा लेंगे पांच साल का पेपर हम बहुत बढ़िया गेस कर लेते हैं बहुत लोग कहते हैं बड़ा गर्व से कहते हैं अरे बेटा हमारा गेस का वह सारा क्वेश्चन आता है पिछली बार वो तीनों साल इसी तरह उन्होंने गेस करके निकाला यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है अधकचरा नॉलेज अधकचरा अधजल गगरी छलका जैसे थोड़ा सा पढ़ लिए अब क्लास में आगे बहस करना शुरू कर दिए टीचर को सुन नहीं रहे पहले ही अपना क्वेश्चन लिप पोत दिए पहले जजमेंटल हो गए क्लास में मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया बिना टीचर की बात सुने हुए बिना क्वेश्चन को आगे प्रोसेस हुए तो वो क्या होता है अपनी अधूरी नॉलेज से ही क्लास में बकबकाना शुरू तुम्हारी भी क्लास में ऐसा कोई ना कोई रहा होगा तो वो जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश करता है देखो हम आज ये रात में ये किताब थोड़ा सा पढ़ लिए तो वो अगर धैर्य से सुन नहीं रहा है अधकचरी नॉलेज से काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल प्री दे रहे हो अब प्री में तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा गया था उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है तुम्हें दो पता है दो नहीं पता है तुमने हल्का हल्का कोई हल्की सी किताब पढ़ ली कोई वन लाइनर पढ़ लिया कोई जो है गाइड बुक पढ़ ली अब सोच रहे इससे हम आई एस बन जाएंगे अब पता चला कॉम्बिनेशन में एबीसीडी में चारों का कॉम्बिनेशन आया हुआ है तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि इसमें दो तो समझ में आ रहा है दो नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा सिलेक्शन होगा कता नहीं होगा निगेटिव मार्किंग हो जाएगी आप खत्म हो जाओगे अयोग्य ठीक है अयोग्य किसे कहते हैं और अपात्र किसे कहते हैं दो सेगमेंट है अयोग्य ठीक है इनेबल तो इसमें एबिलिटी जो होती है वो हमारी इलास्टिसिटी की तरह होती है अब जरा ध्यान से समझना एग्जाम जो है कहता है कि एक्सेसिव प्रेशर आएगा पब्लिक सर्विस है ये लोक सेवा है और लोगों की उपेक्षाओं पे आपको क्या करना है लोगों की जो अपेक्षाएं हैं लोगों की जो आप पे भरोसा है उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं अयोग्य किसे कहते हैं अयोग्यता का मतलब होता है यहां पर आपके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए इलास्टिसिटी मान लीजिए आप एग्जाम्पल करिए कि आप अभी तक जो भी आपका इतिहास था कौन से बच्चे फेल हो जाते हैं ठीक है आपका इतिहास तक आप कभी चार घंटे से ऊपर पढ़े ही नहीं अब मेरे बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ये बेसिकली आपके अंदर की इलास्टिसिटी बताती है अब अचानक से एग्जाम में प्रेशर आया मान लीजिए आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी है ठीक है तो अब इसमें ढेर सारी चीजें आपको पढ़नी है और अचानक से आपको पढ़ना दस घंटे बारह घंटे अब आपको आदत या आप बढ़िया चावल रात में ठूस के आठ घंटे सोने की आपको आदत है नौ घंटे सोते थे आपको थोड़ा सा एक घंटा पढ़ने के बाद आपको चिल करने का टाइम चाहिए दोस्तों के साथ घूमने का आप दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते तो क्या होगा जैसे ही इस एग्जाम से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि नहीं अब चार घंटे से बढ़ाकर तुम्हें दस घंटा पढ़ना है तुम्हें आठ घंटे की बजाय केवल छह घंटा सोना है अब पता चला तुम्हारे अंदर इलास्टिसिटी ही नहीं है तुम उस तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि तुम इस प्रेशर को डील कर सको तो तुम्हारे मन में क्या होता है तुम्हारे मन में एक अजीब सी कौतूहल होती है तुम बहुत बेचैन होने लगते हो बड़ा परेशान होने लगते हो तो इसको अयोग्य व्यक्ति कहा जाता है अयोग्य का मतलब तुम्हारा ये नहीं कि तुम कोई जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम पहले से कमजोर हो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती ऐसा कोई मतलब नहीं है अयोग्यता का मतलब यहां जो बड़े ध्यान से समझना कि जैसे जैसे इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है मैं खुद को बदलता जा रहा हूं जो खुद को बदल लेता है वो एक्सटेंट होने से बच जाता है आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो तो अगर आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 10 घंटे की है आपकी रिक्वायरमेंट है अब यार दोस्त किसी से बात नहीं करनी आपकी रिक्वायरमेंट है कम सोना है फोकस रहना है तो वो व्यक्ति क्या करता है खुद को बदल लेता है खुद को बदल लेता है और जैसे ही वो खुद को बदल लेता है वो इस एग्जाम के योग्य हो जाता है समझ गए बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है और आपको बदलते हुए समय के साथ खुद को बदल अब आप रिजिड है नहीं नहीं भाई हम तो चार घंटे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई हमें तो छुट्टियां चाहिए भाई हमें तो अपने दोस्तों के साथ घूमना है तो ये का घूमो आराम से घूमो और अगली जो चीज है जो अपात्र है यानी कि वो उसके लायक ही नहीं है एक्चुअली जैसे कुछ गुड़ होते हैं हमारे अंदर जैसे अगर आप कॉपर है कॉपर हमारे खाने पीने के लिए बहुत अच्छे लेकिन उसमें अगर आप खट्टी चीज रख दो तो उसके सारे पदार्थ के गुणों को खराब कर देता है आप उसमें खट्टी चीजें नहीं खा सकते किसी भी आप वेदाचार्य से पूछो योगाचार्य से पूछो वो तुम्हें बताएंगे कि भाई इसमें जो है बाकी चीजें पानी पियो बहुत अच्छा है खाना खाओ लेकिन इसमें खट्टी चीज मत खाना तुरंत ये क्या करेगा उसके गुणों को चेंज कर देगा तो जो अपात्र व्यक्ति होता है वो गुणों को चेंज कर देता है जैसे आपके अंदर निगेटिविटी है जैसे आप बेमान ली निन्नवे रुपये मैंने बैच चलाया अब कई लोग जो है उनको देखा मैंने लॉग इन आईडी गलत डाल रहे हैं वो फोन नंबर गलत डाल रहे हैं अपना ही फोन नंबर गलत डाल रहे हैं उसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो जाकर गालियां दे रहे हैं अरे साहब हमें तो क्लास नहीं मिल रही फलाना है ढिकाना है दुनिया भर की बातें निगेटिव बातें कर रहे है, ये भी नहीं कि चलो यहां कोई निन्यानबे रुपए में प्रयास कर रहा है इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अच्छी क्लासेस पढ़ा रहा है ये भी नहीं कर रहा है कि वहां पर कोई भी एक भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो कई बच्चों ने कहा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो नौ हजार रुपए से भी ऊपर का कोर्स है अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे इसलिए लेकिन उसमें भी क्या वो निगेटिव बोलना ऐसे लोग कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकते कभी नहीं हो सकते क्योंकि यूपीएससी उन्हें बाहर कर देगा वो अपात्र है बेसिकली तो उसमें जैसे बर्तन में जब कोई चीज जाती है तो क्या करता है उसके गुड़ों को खराब कर देती है तो इनके अंदर जैसे नॉलेज जाता है उसको क्या कर देते दूषित कर देते हैं ये अंदर से ही दूषित लोग हैं तो आपको इस दौरान पॉजिटिव बने रहना है आपको पॉजिटिव बोलना है आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है आपको समस्याओं अंधेरों में भी उजाले की एक रोशनी ढूंढनी है यही होप होती है यही नेतृत्व तो होता है यही लीडरशिप होती है अच्छा ये अच्छा हो रहा है तो आपको बुरे में भी अच्छा देखने की आदत है नहीं तो भारत में तो कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा तो ऐसे जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं वो बुरे में भी अच्छा ढूंढते हैं कि हम इसमें ये कर सकते हैं हम ये बना सकते हैं तो अगर यह आदत नहीं है तो आप यूपीएससी के हिसाब से अपात्र हो आप एक ऐसा पदार्थ हो एक ऐसा बर्तन हो जिसमें नॉलेज भी डाल दिया जाएगा तो आप उसको जहरीला कर दोगे और आप इससे बाहर हो जाओगे चलिए आगे बात करते हैं यूपीएससी किस तरह के लोगों का चयन करता है जानना चाहते हो वॉट काइंड ऑफ पीपल डज यूपीएससी सेलेक्ट राइट ना तो वो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर रहा है ना उसको टॉपर चाहिए ना उसको गोल्ड मेडल से तुम्हारे कोई मतलब है ना तुम्हारी अमीरी ना गरीबी भारतीय अनुसूची की किसी भाषा में एग्जाम दे दो कुछ नहीं कोई किताब भी रिकमेंड नहीं करता तो किस तरह के लोगों को सेलेक्ट करता है ये जरा समझो योग्य योग्य का मतलब जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो जो अपनी क्षमताओं को समय के साथ बढ़ा सके जो बलिदान कर सके नहीं भैया दोस्त प्यार बाबू सोना तुम मुझे एक साल बाद मिलना ठीक है हम तुमसे मिलने रहे बन जाएंगे तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए हम कर पाएंगे तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है तो योग्य सुपात्र सुपात्र का मतलब होता है वन हु कैन थिंक पॉजिटिवली वन कैन एक्ट पॉजिटिवली स्पीक पॉजिटिवली अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर किसी को गाली दे रहे हैं आप ऊट पटांग कुछ भी बोल रहे हैं आपका व्यवहार आप यकीन मानिए आपके अंदर आप उस पात्र की तरह हैं जो हर चीज को जहरीला बना देगा देखो दही को रखो अगर आप क्या दही को कभी मिट्टी के बर्तन में रखो उसकी खुशबू उसका तत्व तो बढ़ जाता है दही बहुत जो है मीठी हो जाती है लेकिन उसी को अगर कॉपर में डाल दोगे तो दही क्या हो योग्य नहीं रह जाती है यही बात होती है पात्र की तो यहां पर क्या होगा अगर आप 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 सुपात्र हो हो पॉजिटिव सोच रहे आपसे आप कह रहा कि भाई भारत कभी गरीबी नहीं खत्म कर सकता तो आपके अंदर एक सोच है बिल्कुल खत्म कर सकता हमने खत्म किया हमारी प्रोसेस स्लो हो सकती है हम ये तरीके अपनाकर भारत की गरीबी खत्म कर सकते तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो भारत में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता भारत में सौ उद्यमिता नहीं आ सकती बिल्कुल आ सकती है हमें प्रयास करने की आवश्यकता हम प्रयास करने के लिए आप अधिकारी बनने जा रहे हो आपका काम है पूरे जीवन भर सरकार आपके सामने ऐसे टास्क रखेगी जो नहीं है आपको वो करके दिखाना होगा इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट आप समझिए अगर आप विचारशील हैं विचारशील का मतलब थिंकिंग प्रोसेस में है कि ये चीज क्यों हो रही है आपके अंदर एक ताकत है क्यों हो रही है कहां हो रही है कब हो रही है ठीक है मैं कई बार क्लासेस में इसके बारे में बता चुका हूं कारण क्या है तो अगर आप किताबों से निकलकर आपके साथ आपका जो एनवायरमेंट है अगर वही आपका कोर्स बन जाए सिलेबस हो जाए आपके लिए सब कुछ अच्छा है ये महिलाओं के साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है आपको लगता है कि जब मुझे कई बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ दीजिए पीडीएफ दीजिए तभी तो हम आई बनेंगे सर वो बुक पढ़ाइए तभी तो आई बनेंगे सवाल है कि तुम्हारा दिमाग कहां है क्या तुम एलियन हो क्या तुम अभी पहली बार इस गोला पे आए हो तुमने आज से पहले प्रदूषण नहीं देखा कूड़े के ढैर नहीं देखा पानी की कमी नहीं देखी जो है अत्याचार नहीं देखे आप उस पर सोचना तो शुरू करिए अगर आप विचारशील हैं तो यूपीएससी कहता है स्वागत है आपका और कर्मठ कर्मठ का मतलब है कि जब कर्म प्रधान है ठीक है कर्म प्रधान काक चेष्टा वकोध्यानम स्वान्न निद्रा तथा चाह ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम वो तो कर्मठ व्यक्ति चाहिए भोजन चाप निद्रा वो वाला हिसाब किताब गले तक खा के चाप निद्रा कर रहे वो कर्मठ नहीं कहलाएगा बोला सुबह छह बजे एक अलार्म लगाया नौ बजे उठ रहे बोले अरे यार सुबह सुबह ठंडी में कौन रह जाए इस मुंह निकाले तो तुम्हें जब ठंडी सता रही है तुम्हें गर्मी सता रही है रात में इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो गर्मी बहुत है सुबह इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो ठंडी बहुत है आलस बहुत आ रहा है ठीक है मूंगफली खानी है धूप में बैठना है तो ये सारे बहाने हैं बेसिकली कर्मठ व्यक्ति एक शेड्यूल बनाता है चाहे ठंडी हो गर्मी हो उसको कोई लेना देना इससे नहीं उसको कहना मुझे अपना काम करना है तो करना है राइट right? तो यूपीएससी को ऑलराउंडर चाहिए सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं चाहिए याद रखिएगा यूपीएससी को क्या चाहिए ऑलराउंडर ऑलराउंडर बनिए यानी लिखना बोलना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए ऑलराउंडर चाहिए यूपीएससी को एक लाइन में बता दिया यूपीएससी क्या चाहता है याद रहेगा आ जाओ नेक्स्ट प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में आपकी मानसिक गुणवत्ता की जांच पर जोर दिया जाता है मानसिक गुणवत्ता राइट right, मानसिक गुणवत्ता पे कि आपके अंदर मेंटल एबिलिटी कितनी है क्वेश्चन का नेचर भी ये होता है उसमें चार गलत में से एक छांटना होता है तो एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक सी सैट का होता है ठीक है टू हंड्रेड मार्क्स बोथ एक में सौ क्वेश्चन और एक में अस्सी होते हैं जहां पर सी सैट का पेपर अब जो है क्या हुआ वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है आपको क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं लेकिन यह भी एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है और इसी के लिए हमने निन्यानवे रुपए का बैच शुरू किया निन्यानवे रुपए में जीएस और निन्यानवे पर बहुत से लोग तो अभी ओजाक एडू ऐप से शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं वो वो भी आराम से बैठे हुए हैं कि ये जाड़ा बीते मार चाय थोड़ा अंग्राई हो तब हम पढ़ेंगे कितने लोग क्लास ले रहे हैं चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग बढ़िया से क्लास ले रहे हैं निन्यानबे वाली बताइए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है निगेटिव मार्किंग हम जो निन्यानवे रुपए में प्रयास कर रहे हैं आपका निगेटिव मार्किंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं निगेटिव मार्किंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं राइट यही निगेटिव मार्किंग आपने हटा दिया जो वन थर्ड निगेटिव मार्किंग होती है तो आपका बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है ये निगेटिव मार्किंग ही वो मार्किंग है जो आपके सिलेक्शन को रोक देती है याद रखिएगा ठीक है तो ये दोनों बैच अभी तक लोग नहीं ज्वाइन कर पाए ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर जुड़ सकते हैं मुख्य परीक्षा की बात करें तो जब प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है तो बारह हजार से चौदह हजार बच्चों को जो उस साल वैकेंसीज उसके हिसाब से वो बुलाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो मुख्य परीक्षा क्या होती है मुख्य परीक्षा बेसिकली आपका जो नॉलेज है अभिव्यक्ति कौशल यानी कि आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं मानसिक सजगता अलर्ट क्योंकि क्वेश्चन क्यों का नेचर बदलता रहता है धड़ाधड़ बदलता है तो आप कितना मेंटली अलर्ट है ठीक है विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आते, है, आते हैं बहुत ही जनरल लाइफ से क्वेश्चन आते हैं अचानक से आपको डिसीजन लेने के लिए कह दिया जाता है ठीक है और निर्णय शक्ति डिसीजन मेकिंग पावर से जुड़ी हुई चीज होती है ये बेसिकली इसको देखती है आपका जो नॉलेज है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो लिमिटेड वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट uh, आता थी मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत अधिक तैयारी यानी सिलेबस के वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट साथ ही साथ आपके क्वेश्चन का विश्लेषण गंभीरता यानी कि उसकी जो सीरियसनेस है सजग द अलर्ट मतलब आपका करंट अफेयर्स पे पूरी पकड़ होनी चाहिए अभी क्या हुआ उसके पीछे क्या कारण थे राइट परिश्रम आपको आठ दस घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा तो आपके लिए संडे मंडे जैसी कोई चीज नहीं है आपके लिए आपकी सिर्फ किताबें हैं आपका कमरा है और रोज आपको लिखना पड़ेगा सबसे अधिक परिश्रम की बात है कि जो आप पढ़ लोग पढ़ते लो पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं हैं ये किताब खत्म वो किताब खत्म आप जो पढ़िए उसको लिखिए जो पढ़िए उसको लिखिए लिखने में स्पीड आप बात करिए कल मैं एक स्टूडेंट से मिला वो लगातार उसका चौथा अटेम्प्ट है उसका हर साल मेन्स में क्या होता है कि दो तीन क्वेश्चन वो छोड़ के चले आते हैं तो कल मैंने उनको बताया कि मैं अपने बच्चों को किस तरह स्पीड बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं मैंने बताया कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो वो जीरो मार्क्स है आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा परिश्रम से इन चीजों को सीखना पड़ेगा ठीक है तब जाकर आप जो है वो मेन्स की परीक्षा बहुत ही क्रिटिकल होती है सत्रह मार्क्स ये आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं सत्रह मार्क्स ही सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं लिख लीजिए नॉलेज एक्सप्रेशन जो आप करते हैं यानी आप कम शब्दों में टू द पॉइंट बात कहेंगे मानसिक सजगता मेंटल अलर्टनेस चाहिए विश्लेषण और निर्णय शक्ति दृष्टिकोण एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कई बार मैंने देखा आंसर राइटिंग में भी मुझे याद एक बच्ची ने हाल ही में आंसर राइटिंग की तो उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया लिखा बहुत अच्छा लेकिन वो फंस गई वहां पर तो इसका सीधे सा मतलब क्या हुआ कि आप लिखते समय अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आप सामने वाले को अपने मार्क्स कम करने का तरीका दे बैठेंगे चलिए तो मुख्य परीक्षा में जीएस के चार पेपर होते हैं ढाई सौ इंच एथिक्स ठीक है एथिक्स का पेपर यहां पर दिया जाता है तो उसमें चौथा पेपर क्या होता है सत्यनिष्ठा और अभिरुचि क्या होता है जीएस के तीन होते हैं और सत्यनिष्ठा यानी एथिक्स और इंटीग्रिटी क्योंकि प्रशासन में इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो पेपर होता है दो वैकल्पिक पेपर होते हैं एक वैकल्पिक विषय होता है तो दो प्रश्न पत्र यहां पर डाले जाते हैं दो पेपर होते हैं वैकल्पिक के निबंध का एक प्रश्न होता है अब इसके मार्क्स बढ़ाकर 250 कर, कर दिए गए हैं 250 ठीक है सामान्य हिंदी यानी लैंग्वेज का पेपर जो और भी कंपलसरी का पेपर होता है तो आगे आपकी कॉपियां चेक नहीं होती है सबसे पहले यही दो क्वेश्चन होते हैं तीन तीन मार्क्स के बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर वोकेबुलरी प्रेसिस यहां पर दिया जाता है अगर आप इसको क्वालिफाई इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते लेकिन इसके बिना आगे आपका कोई भी जो है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा बहुत से बच्चे इन्हीं पेपर्स में छप जाते हैं क्योंकि उनको जो है क्या छट जाते हैं उनको लगता है कि आप कुछ खास नहीं कर पा रहे ठीक है आप आगे कुछ नहीं कर सकते चलिए आगे देखते हैं तो ये बेसिकली हमारे पेपर्स होते हैं और रैंकिंग इसी पे बनाई जाती है ठीक है तो ये हमारे 1750 मार्क्स का मेंस का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और इसमें ध्यान रखिएगा जो लोग मैंने पहले बताया था ऑप्शनल पे बहुत काम करिए ऑप्शनल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है 500 मार्क्स ये आपकी रैंक बनाने में सेलेक्शन में आपको बहुत मदद करता है क्लियर है दोस्तों मेंस पेपर लिखते समय क्या नहीं करना होता है ठीक है यह भी याद करो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं क्या नहीं करना होता है ठीक है आपको यह नहीं करना है याद अभी मैं बच्चे से जो मिला तो उसने कहा कि सर मैं पहले बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं और बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करता हूं उत्तर में आपको अपनी पूरी जानकारी नहीं उड़ेलनी होती आपको नहीं बताना है कि आपको क्या आता है आपको जितना पूछा जा रहा है उसी के अराउंड आपको अपनी बात कहनी है अगर आप उसमें जानकारी उड़ेलने लगेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा और यहां पर सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम चलता है यानी आप अगले क्वेश्चन में खुद को पनिश कर दोगे जब उसमें आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लिख पाओगे मार्क्स आपको कम मिलेंगे याद रखिएगा ठीक है और ना ही आप यह समझे कि परीक्षक अनाडी है जैसे होता क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम यूनिवर्सिटी में लिख के आते हैं कॉलेज में लिख कर आते हैं अरे यार बी कॉपी भर दिए सी कॉपी भर दिए पास हो जाएंगे एक ही बात को दस बार लिख दिए पास हो जाएंगे वही चीज हम सोचकर यहां भी आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में भी कैसे कॉपी भर देंगे लिख देंगे और वो पास हो जाएंगे हम ये समझ बैठते हैं कि वो अनाड़ी है वो हमें नंबर दे देगा यहां नंबर का गेम ही नहीं है वो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के और आप देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं ठीक है तो आपके सामने उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है वो बेसिकली आपकी अभिव्यक्ति यानी आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और आपकी मौलिकता सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक यानी कि आप ट्रू नेचर के होने चाहिए मौलिक होने चाहिए फंडामेंटल होने चाहिए मान लीजिए आप कोई बात लिख रहे हैं और हाल ही में आपने किसी घटना का आपने न्यूज में बहुत चर्चा हुई आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया वो समझ जाएगा कि आपकी सोच मौलिक है आपने रट के आंसर नहीं दिया है आप कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं और मौलिकता उसी के पास होगी जिसके पास सोच होती है तो जहां मैंने शुरुआत से बताया था कि आप अगर चाहते हैं कि आप एग्जाम में आगे जाएं तो अभिव्यक्ति और मौलिकता ये सबसे जरूरी है और वहां ज्ञान मत उसके सामने बघा रही है जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप केवल उतना ही आंसर देने की कोशिश करें यही मेंस को क्रैक करने की सबसे बड़ी चाबी है और लास्ट होता है मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू फिर सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और वहां आपको का है. का वो में दे चुके होते हैं साढ़े सत्रह सौ नंबर में वो आपका लैंग्वेज आपके ऑप्शनल सब कुछ चेक कर चुके होते हैं बेसिकली ये जो व्यक्तित्व तो है आपकी जो पर्सनैलिटी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका जो आलोचनात्मक मूल्यांकन मान लीजिए आपको एक प्रेशर सिचुएशन दे दी गई और प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह से डील करते लीजिए आपसे दो लोग इकट्ठा क्वेश्चन पूछने लगे आप गुस्से में आपने जो है उठपटांग बोल दिया तो आप क्या प्रशासन संभालोगे आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड की कुछ सोच के आपको जवाब देना है मौलिकता जो है लेकर आनी है तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए तो 275 नंबर का जो ये सेगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी जिस दिन से आप सोच लो कि मुझे आप यूपीएससी देना है उसी दिन से आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए उसी दिन से तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा क्योंकि इंटरव्यू आपको अपना व्यक्तित्व निर्माण करना है जैसे मान लो किसी की आदत है शर्ट के बटन खोल के घूम रहा है कभी उसने फॉर्मल नहीं पहने ठीक है वो हमेशा चप्पल में रहने की आदत है आप इसको धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दीजिए इसको धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दीजिए इसको इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए और आप जब ये जाएंगे ये डे वन से डे वन से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर आप हमेशा सोचिए कि आपके सामने कैमरे लगे हुए हैं आपको गाली गलौज करके आदत है आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आप इसको धीरे धीरे सप्रेस करना शुरू करिए आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो आप चिल्लाने लगते हैं आप तर्क की बजाय आप बहस पे उतर आते हैं अपनी बात ये आपको फंसा ले जाएगा 275 मार्क्स आपके निकल जाएंगे 275 मार्क्स आपके निकल जाएंगे तो आपको इसको रोकना है क्लियर है <laughs> तो याद रखिएगा इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये आपकी तर्क शक्ति ये आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी जो मौलिकता है इसके बारे में वो बात करता है तो दोस्तों इस तरह से प्री मेंस और इंटरव्यू ये तीन स्टेजेस आपकी तैयारी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं मैंने आपको बताया कि आपको खुद पर काम करना पड़ेगा आईएएस के एग्जाम में आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि इस एग्जाम के वो तीनों हिस्सों से और सभी के लिए बराबर है आप आई आई है आप एम्स से पढ़कर आए आप सी ए है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी के लिए बराबर है वो वो कुछ नहीं जानता कि आप गांव से आए हो देहात से आए हो उड़िया में पढ़ के आए हो बंगाली में हिंदी में किस में उससे कुछ लेना देना नहीं है वो कहता है एवरीथिंग इज जीरो यहां से शुरू करो ये तीनों स्टेज बेटा चाहे तुम आई, आई हो चाहे कोई भी हो ये तीनों स्टेज तुम्हें करना ही पड़ेगा और किसी स्टेज पे फेल हुए फिर से तुम्हें देना पड़ेगा जाके इंटरव्यू में छट गए तो ऐसा नहीं बोले मैं तो इंटरव्यू में छट गया अब तो मुझे फिर से इंटरव्यू बोला बोला ना ना बेटा आ जाओ फिर से प्री दो सारा प्रोसेस जीरो से शुरू करो यही इसकी इक्वलिटी सबसे खूबसूरत है और सबसे खतरनाक है ये फिर से कहता करो कोई प्रिविलेज नहीं है हमारे यहां आ जाओ हमारी जरूरतों को पूरा करो क्योंकि अगली बार प्री का पेपर ऐसा होगा कि हो सकता है पिछली बार दिया इस बार तुम क्रैक ही ना कर पाओ बहुत से बच्चों को जानता हूं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया अगले साल वो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए क्योंकि हर बार यहां नई लड़ाई शुरू करनी है हर बार उसी डर और उसी प्रेशर से गुजरना है इसीलिए हर समय सजग रहिएगा आपसे मेरा निवेदन है अगर आप इसमें थोड़े समय के लिए भी सोए तो आपसे पूरा साल आपके हाथ से निकल जाएगा सजग रहिएगा अलर्ट रहिएगा और हर दिन अपनी लर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करिएगा तो मैंने आज आपको बताया किस तरह के बच्चों को यूपीएससी सेलेक्ट नहीं करता और नहीं करता है वो ये बात याद रखिएगा आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये रही और इसी जानकारी के हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग को पूरी करिए आप अपने आप को लेकर चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए और फिर से बता दू यूपीपीसी में हम मात्र एक रुपए में जीएस प्री का कोर्स लेकर आ रहे हैं विजेन्द्र सर और उनकी पूरी टीम के साथ और ये जबरदस्त ओजान एनी टाइम लर्निंग ऐप पे क्लास शुरू हो जाएगी 20 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी ऐप डाउनलोड कर लें और वहीं पर जाकर पेमेंट करके आप अपनी क्लास 20 तारीख से शुरू कर सकते हैं क्योस नहीं करना है और साथ ही साथ फरवरी में हम शुरू कर रहे हैं एनसीआरटी बैच इसके भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस और साथ ही साथ निन्यानवे रुपए के बैच में चाहे जीएस हो इंग्लिश हो या सीसेट हो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं क्लासेस चल रही हैं आप इसका हिस्सा बन सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको कौन सा लगा जो आपको लगता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते थे या हमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है मुझे जरूर जरूर बताइए कि सर हमें इसे इंप्रूव करना ही है तो दोस्तों जुड़े रहिए अच्छी तरीके से और पढ़ाई करिए ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर टेस्ट देना शुरू कर दीजिए थैंक यू सो मच